हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 12 ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर द क्लास फर्स्ट, विच इज मनी। आज के टाइम पे मनी वर्ड से सब कोई अच्छी तरह से वाकिफ है। ओके, यहाँ पे देखो ये कॉइन्स दिए गए हैं जो आज के टाइम पे मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये जो है वो 1 रुपीज का कॉइन है, ये 2 रुपीज का, ये 5 और ये 10 रुपीज का। उसी तरह हम नोट्स की बात की जाए तो इंडिया में जो जो नोट्स और कॉइन्स के यूज होते हैं वो है, ठीक है। तो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। इसी तरह अगर देखे जाए तो 20 की जो न्यू आज के टाइम पे यूज हो रही है वो न्यू आ गई है, 100 की भी न्यू नोट आई है एंड 200 की भी नोट है, ठीक है। फिर 500 की है, इसी तरह 2000 की है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो मोस्टली यूज की जाते हैं वो कॉइन्स एंड नोट्स। लेकिन जो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉइन्स जो है उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, मतलब कि ये 10 तक आके लिमिटेड होते हैं। देखा जाए तो 100 का भी कॉइन्स होता है पर हमने मोस्टली उसे देखते नहीं। हम लोगों को ज़्यादातर मोस्टली 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी एंड 10 रुपीज के कॉइन्स ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जबकि नोट की बात की जाए तो वो हमें 1, 2 से लेके पूरे 2000 तक हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो कॉइन्स है उनकी वैल्यू कम होती है एंड जो नोट है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कॉइन दिया है, 1 रुपी एंड 2 रुपी का कॉइन दिया गया है। तो इन दोनों कॉइन का यूज करके ही हमें 1 रुपी बनाना है, 2 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज एंड 3 रुपीज। मतलब हमें इन दोनों ही कॉइन्स का यूज करना है, इसके अलावा कि कोई कॉइन्स का यूज करना नहीं है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉइन्स ड्रॉ किए हैं उसी तरह आपको भी सिक्के कॉइन का यूज करके यहाँ पे आपको ड्रॉ करने रहेंगे। ओके, सेम है जिस तरह ये किया है वैसे यहाँ पे आपको किस किस का कॉइन का यूज करना है, तो 1 रुपी एंड 2 रुपी एंड 5 रुपी का यूज करके आपको ये कॉइन्स कंप्लीट करने रहेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है उसी तरह चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें 1 रुपी का कॉइन है, फिर 2 रुपी का कॉइन है एंड 5 रुपी का कॉइन है। मतलब ये तीनों कॉइन का यूज करके हमें 6 रुपीज बनाने हैं अलग अलग फॉर्मेट में। ओके, लेकिन एक बात याद रहे, जो कॉम्बिनेशन एक बार अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो उस कॉम्बिनेशन को हमें दोबारा रिपीट करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम अगर मार्केट में अपनी मम्मी या फिर किसी के साथ बाहर जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों की वैल्यू पता चलती है कि मतलब जो पैंट है वो कितने रुपए के मिलते हैं, बैट वो कितने, मतलब ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कितने कितने मनी की मम्मी खरीद के लाती हैं। ओके, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।